नमस्कार दोस्तों, स्टॉक जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगले हफ्ते निफ्टी का क्या व्यू रहने वाला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ऑप्शन डेटा को एनालिसिस करेंगे और कुछ टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो निफ्टी जो है अगले हफ्ते किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को की ओर। दोस्तों, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा और जैसा मैंने आपको बताया कि हम जो है अगले हफ्ते का जो एक्सपायरी का डेटा एनालिसिस करेंगे, यानी 14 नवंबर की एक्सपायरी का डेटा को हम जो है एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 11,908.15। तो जो ये लास्ट डे का जो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है, यही हमारा एट द मनी का लेवल भी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो है जो हमारा एट द मनी का जो प्राइस है उसके लेवल से किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या एक्शन लिया गया है। हम कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ के डेटा को एनालिसिस करेंगे। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा 11,000, यहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा एट द मनी का प्राइस है। तो यहाँ से हम कॉल साइड की तरफ का डेटा एनालिसिस करेंगे और पुट साइड के डेटा को भी एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जो है का जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा सकती है। तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 11,900 के ऊपर यदि हम देखें, कॉल साइड में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है फ्रेश शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है और ओआई का जो बिल्डअप है, फ्रेश शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है और ओआई का जो बिल्डअप है वो भी तकरीबन जो है 9 लाख से ऊपर का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ओआई का बिल्डअप यहाँ पे 11,900 के लेवल पे, यानी यहाँ पर जो है कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। और इससे ऊपर के लेवल पे देखेंगे, यदि आप 11,950 के लेवल पे यदि आप देखें, यानी इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप जो है, ये देखिए 11,950 के लेवल पे, 12,000 के लेवल पे, यानी ऊपर के जो है स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है हमें कॉल राइटिंग देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यदि देखेंगे नियरेस्ट में, तो यहाँ पर जो ओआई बिल्डअप है 26 लाख से ऊपर का जो है हमें ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप बनता हुआ नज़र आ रहा है और तकरीबन 12 लाख से ऊपर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें नए ऐड होते हुए दिखे हैं लास्ट ट्रेडिंग डे में। यानी कि यहाँ पर जो है हैवी कॉल राइटिंग हुई है। यानी किस प्राइस पर हैवी कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पर हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स का जो व्यू है वो ये है कि 12,000 का लेवल निफ्टी को जो है बहुत ही मुश्किल होने वाला है और यहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ ही रहने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ा ऊपर के लेवल पे देखेंगे, नहीं 12,100 के लेवल पे आप देखें यहाँ पर, तो इस जगह पे देखिए यहाँ पर भी हमें जो है 9 लाख से ऊपर नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी हैवी कॉल राइटिंग दिख रही है और 18 लाख से ऊपर के जो हैं तकरीबन देखिए 18 लाख से ऊपर का जो है ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी 18 लाख से ऊपर का यहाँ पर हमें जो है ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के सारे स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यानी कॉल साइड का डेटा को यदि हम एनालाइज करें और जानने की कोशिश करें, तो यहाँ से कॉल राइटिंग हर एक स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और मार्केट का जो व्यू है यहाँ पर नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों पुट साइड के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं 11,900 के लेवल पे देखें क्या हुआ। सबसे पहले तो 11,900 के लेवल पर यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यानी पुट राइटिंग नहीं है, सॉरी, तो यहाँ पर आपको जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर जो पहले ट्रेडर्स इस जहाँ पर जिन्होंने पुट राइटिंग करी होगी उन्होंने यहाँ पर अपने जो है पोजीशन को कवर किया है और यहाँ पर अपनी पोजीशन को उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन को कवर किया है और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को हमें मिल रही है। जिस हिसाब से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जो है हमें कम होता हुआ दिख रहा है। तो यानी यहाँ पर जो ट्रेडर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर हमें यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट जो है इससे नीचे के लेवल पे जा सकता है। ठीक, इसके नीचे का लेवल देखें 11,850 का लेवल आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही हैं और 2 लाख से ऊपर के नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए टोटल जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है 4 लाख से ऊपर का है। थोड़ा और नीचे जाएंगे 11,800 के लेवल पे देखिए 11 लाख से ऊपर के नए 11 लाख से का जो है
टोटल ओपन आई ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है और 2 लाख से ऊपर के जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, यानी नीचे के सभी लेवल पे 11,850, 11,800, इन सभी लेवल पे जो है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी है पुट साइड में। तो यानी यहाँ पर देखिए जो जो एक्शन है वो शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कॉल साइड में कॉल राइटिंग हुई है ऊपर के लेवल पे, और पुट साइड में देखेंगे तो जो हमारा आउट ऑफ द मनी लेवल्स हैं यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस हैं 11,900 से नीचे के, उन सभी पे पुट जो है बाइंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, यानी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। यानी जो है ट्रेडर्स का जो व्यू है वो चेंज हो गया है मार्केट को लेके। थोड़ा सा यदि हम डेटा को यदि बात करें, इस डेटा को देख कर यदि बात करें, तो यहाँ पर जो है ट्रेडर्स का जो व्यू है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ जो है जा सकता है, ऐसा पुट साइड के डेटा को देखकर हमें लग रहा है। क्योंकि 11,900 पे हमें जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और 12,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये जो एक्शन दोनों जो है स्ट्राइक प्राइस पे देखने को यदि आप देखेंगे और मैच करेंगे, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन यहाँ पर जो निकल कर आता है कि मार्केट थोड़ा सा वीक पड़ रहा है और नीचे की तरफ जाने की पूरी पूरी संभावना बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स में भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये दोस्तों डेली चार्ट है, आप यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो डेली चार्ट है, और यदि लास्ट डे का जो क्लोजिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कैंडल जो है हमें रेड में दिख रही है, लेकिन जो 10 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर ही निफ्टी ने जो है हमें क्लोजिंग यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो है निफ्टी का जो है क्या मूव बन सकता है। और ये जो डेटा बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे इस डेटा को, तो हमें जो जो इस वाले कैंडल के बाद, यानी ये वाला जो कैंडल है ये भी रेड क्लोज हुआ है, यानी 2 कंजिकेटिव कैंडल्स हमें यहाँ पर रेड में नज़र आ रहे हैं, और RSI थोड़ा डाउन वॉर्ड इसकी मूवमेंट दिख रही है, नीचे की तरफ इसकी मूवमेंट दिख रही है। और स्टॉकिस्टिक RSI का यदि आप देखें तो ये भी जो है हमें नीचे की तरफ ओवरबॉट सिचुएशन से जो है नीचे की तरफ ये जो है अब यहाँ पर दिख रहा है, यानी ओवरबॉट लेवल पे ऑलरेडी ये है और यहाँ से इसने जो डायरेक्शन बनाई है नीचे की तरफ बनाई हुई है। और जो हमारा कन्फर्मेशन ट्रेंड जो होता है दोस्तों, जैसे हमने ड्रॉ करा हुआ है 50 वाला जो ये ट्रेंड लाइन है, जब हमें श्योर शॉर्ट देखना होता है कि क्या है मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, तो यदि ये देखिए इसको ये देखना होगा कि जो है निफ्टी आने वाले 1-2 दिन में क्या इसको क्रॉस करता है। यदि इसको क्रॉस करता है तो 100% ये जो है हम ये श्योरिटी हम जो है मान सकते हैं कि निफ्टी जो है नीचे की तरफ पूरी तरीके से जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें कुछ पीछे के कैंडल्स भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर एक जो है डोजी बना है, और उसके बाद यहाँ से देखिए नीचे की तरफ एक और जो है कैंडल यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तरह का जो है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर एक जो है हैमर कैंडल बना हुआ है, और उसके बाद एक जो है और अच्छा खासा जो है एक रेड कैंडल यहाँ पर हमें दिख रहा है बना हुआ है। तो इससे एक मतलब जो प्राइस एक्शन की बात यदि करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ यहाँ से मूव कर सकता है। और थोड़ा सा यदि हम इसको 4 आवर के चार्ट पे देखें यदि, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि आप 1 आवर का चार्ट देखें, यानी शॉर्ट टर्म व्यू यदि आप देखें, जो कि हम जो है 1 वीक का ही देख रहे हैं कि एक नेक्स्ट वीक में क्या डायरेक्शन रह सकता है निफ्टी का, तो 1 आवर का चार्ट और 4 आवर का चार्ट देखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो है आने वाले जैसे ही मूव्स होंगी वो किस तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में जो 2 कैंडल्स मैं बात कर रहा था, डेली कैंडल्स भी वहाँ पर जो है बैक टू बैक 2 रेड कैंडल्स बने हैं, जिस तरह का पैटर्न वहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 डेज़ का और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे यहाँ पर निफ्टी ने जो है क्लोजिंग हमें दी है 1 आवर के चार्ट में, यदि हम बात करें। और शॉर्ट टर्म में यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी देखिए RSI में भी जो है इसने जो हमारा जो 50 जो ट्रेंड लाइन है, 50 वाली जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में शेयर करा है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जब ये इसके नीचे जाता है तो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है चेंज होने की वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। यानी यदि 1 आवर के चार्ट के हिसाब से बात करें तो निफ्टी जो है आने जो नेक्स्ट जब जो ट्रेडिंग डे है वहाँ पर जब भी जाएगा तो वो थोड़ा वहाँ पर नेगेटिविटी वहाँ पर हमें देखने को वहाँ पर मिल सकती है। और देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें जो होती हैं वो
न्यूज़ रेज भी होती हैं, जैसे कुछ यदि न्यूज़ है मार्केट में, यदि पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है अराउंड हमारे या नेगेटिव न्यूज़ है अराउंड हमारे, तो उससे जो है काफ़ी जब फ़र्क पड़ता है मार्केट में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ और ऑप्शन डेटा की यदि हम बात करें, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। और जो हम देखते हैं दोस्तों, FIs और DIs के डेटा को भी एक बार हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे जो है कैश सेगमेंट में, यदि आप देखेंगे तो FIs ने जो है तगड़ी जो है बाइंग करी है, नेट बाइंग है इनकी, अच्छी खासी बाइंग है। और DIs का डेटा देखेंगे तो इनकी जो इन्होंने जो है नेट सेलिंग करी है, यानी FI जो है बुलिश मोड में है, लगातार बाइंग मोड में है, 5, 6, 7, 8 लगातार ट्रेडिंग डेज में इन्होंने जो है बाइंग करी है। तो यदि FIs जो है बाइंग कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है FIs को, तो ये एक संकेत होता है, मतलब मेरा ये मानना है कि जब FIs बुलिश हैं तो मार्केट उसी हिसाब से काम करता है, अनटिल अनलेस कोई न्यूज़, जैसे कि आपने फ्राइडे को न्यूज़ आई थी कि जो है जो मूडीज़ का जो रेटिंग है इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए जो है डाउनग्रेडेड किया है उन्होंने, थोड़ा जो है यहाँ का जो व्यू है उसको डाउनग्रेड किया है, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट देखी फ्राइडे को, तो वो सब इम्पैक्ट कितना सस्टेन रहेगा ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमको पता लगेगा कि मंडे में ट्यूसडे में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर FIs का डेटा दे देखें तो वहाँ पर हमें नेट परचेजिंग ही दिखी है। यहाँ पर देखिए 8 तारीख को भी इन्होंने जो है परचेजिंग ही करी है। और यदि ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन का डेटा भी आप देखें, फ्यूचर ऑप्शन का, तो FI ने इंडेक्स फ्यूचर में जो है बाइंग करी है, और नेट बाइंग है, मतलब नेट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर इंडेक्स जो है नेट बाइंग हुई है। हालांकि लास्ट डे उन्होंने जो है थोड़ा सा सेलिंग करा है यहाँ पर। और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में जो है नेट बाइंग है, और 8 तारीख के डेटा को भी आप देखेंगे तो वहाँ पे नेट बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो FI हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हमें दिख रहा है मार्केट में, तो ये देखना थोड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो बाकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें जो है मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। और यदि FIs जो बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं कि ये दे आर बिग प्लेयर्स, तो इनके हिसाब से देखें तो इनका जो ये जो है पॉजिटिव है मार्केट की ओर, तो इन पे मैं काफ़ी रिलाई करता हूँ। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए कि जो है मंडे और ट्यूसडे जो मार्केट ओपन होगी किस डायरेक्शन में जाएगी और क्या रहने वाला है, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है न्यूज़ का, वो देखना है दोस्तों कि आने वाला जो वीक है वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है, निफ्टी किस तरीके से उसको जो है बिहेव कर सकता है, जो ट्रेडर्स हैं उनका क्या व्यू बनेगा, कितना जो वेटेज वो न्यूज़ को देंगे, यानी कि न्यूज़ को देखकर कितना ट्रेडिंग होती है, या डेटा पॉइंट्स को देखें दी तो उस डेटा पॉइंट्स के हिसाब से क्या डायरेक्शन बनती है। तो ओवरऑल डायरेक्शन यदि आप बात करें तो जो डेटा पॉइंट्स के हिसाब से निफ्टी का जो व्यू है वो नेगेटिव है, और जो न्यूज़ बेस्ड थोड़ा मैं कहूँगा कि न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जो फ्राइडे न्यूज़ आई है डाउनग्रेड करा है मूडीज़ ने, तो उसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। तो यदि ओवरऑल हम रेंज की बात करें तो निफ्टी की जो रेंज बन रही है वो यही है कि 11,850 से लेके तकरीबन 12,100 के रेंज में निफ्टी जो है पूरे वीक हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा निफ्टी व्यू नेक्स्ट वीक का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।